बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल के वर्चुअल लर्निंग सिस्टम में आपको खुश आमदीद। ये उर्दू का ऑनलाइन लेक्चर जमात ششم के लिए है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सबक मादर मिल्लत फातिमा जिना। आप अपनी उर्दू किताब का सफ़ा नंबर 9 खोलें। अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 9, जिस पर ये सबक मादर मिल्लत फातिमा जिना है, खोलें। उम्मीद है आपने अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 9 खोल लिया होगा। अभी मैं आपके सामने इस सबक की पढ़ाई करती हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़ें। मुहतरमा फातिमा जिना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कैद आजम मोहम्मद अली जिना से तकरीबन 17 साल छोटी थी। मुहतरमा फातिमा जिना अभी छोटी ही थी कि इनकी वालदा मुहतरमा का इंतकाल हो गया। 8 वर्ष की उम्र में बाप का भी साया सर से उठ गया। इन दिनों कैद आजम मोहम्मद अली जिना बम्बई में वकालत कर रहे थे। वालदैन के इंतकाल के बाद उन्होंने फातिमा जिना को बम्बई बुला लिया। मुहतरमा फातिमा जिना की तालीम का आगाज तो कराची ही में हो चुका था। बम्बई पहुंचकर वो कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल हो गईं। 1910 में मुहतरमा फातिमा जिना ने मैट्रिक के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाबी हासिल की। मैट्रिक करने के बाद उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज और फिर 1922 में डेंटल सर्जन का इम्तिहान भी आला नंबरों से पास कर लिया। डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने बम्बई में अपना क्लिनिक खोल लिया। इंसानियत की खिदमत और समाजी कामों का जज्बा जमाने तालिब इल्मी ही से इनमें मौजूद था, लिहाजा वो दांतों की जराही के मैदान में इंसानियत की खिदमत में मसरूफ हो गईं। 1929 में जब कैद आजम की अहलिया रत्ती जिना का इंतकाल हुआ तो मुहतरमा फातिमा जिना ने अपनी डॉक्टरी के पेशे को खैरबाद कह दिया और कैद आजम के पास आ गईं। मुहतरमा फातिमा जिना सियासत के मैदान में कैद आजम की मोतमिद साथी और तहरीक पाकिस्तान में इनकी मुआविन व मुशीर रहीं। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में अपने भाई का साथ दिया। कैद आजम जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मुहतरमा फातिमा जिना भी इनके साथ थीं। उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान कैद आजम को नहायत अच्छे सियासी मशवरे दिए। मुहतरमा फातिमा जिना आला तालीम याफ्ता नहायत दूरंदेश और बहुत जुरतमंद खातून थीं। उन्होंने मुस्लिम खवातीन को बेदार करने और इन्हें एक सियासी प्लेटफॉर्म पर मुतहद करने में नहायत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कौमी मुफादात के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने हर कदम पर कैद आजम का साथ दिया।
अवामी जलसों में भी वो अपने भाई के शाना बशाना शरीक रही। वो ख्वातीन के कौमी सियासी और समाजी किरदार के साथ साथ इनके घरेलू किरदार से भी बराह रास्त वाबस्ता थी। उन्होंने मुस्लिम ख्वातीन की सियासी और फिक्री रहनुमाई के साथ साथ ख्वातीन के आम घरेलू मसाइल में भी इनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की। मोहतरमा फातिमा जिना ने ख्वातीन को तहरीक पाकिस्तान में रहनुमाई फरमाई फराहम की और इन्हें अमली सियासत के मैदान में लाने के लिए भी बुनियादी किरदार अदा किया। बेगम मोहम्मद अली, बेगम हारून, बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन, बेगम बशीर अहमद, बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला और राणा लियाकत अली खान के साथ मुहतरमा फातिमा जिना भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ख्वातीन कमेटी की मेंबर थीं। इन्हें ख्वातीन के हलके में बेपनाह मकबूलियत और इज्जत हासिल रही। वो ख्वातीन को अमली सियासत में आने के लिए आमादा करती और इन्हें कौमी मैदान में हर किस्म की कुर्बानी देने की तरगीब देती थीं। कैद आजम ने तहरीक पाकिस्तान के दौरान में ख्वातीन के हवाले से तमाम अमूर की निगरानी का फरीजा मोहतरमा फातिमा जिना को सौंप रखा था। क्वेटा के मकाम पर ख्वातीन से खिताब करते हुए मोहतरमा फातिमा जिना ने फरमाया, अब तक हम मुसलमान ख्वातीन ने अपनी कौम की कोई खास मदद नहीं की, हालांकि अगर हम लोग भी चाहते तो बहुत कुछ काम का हिस्सा बटा सकते थे। इस वक्त हमारी ज़रूरतें चार हैं, यानी इक्तसादी, माशरती, तालीमी और सियासी। हमको चाहिए कि हम में से हर एक जिससे जितना हो सके अपनी कुव्वत और अपनी हैसियत के मुताबिक अपने ख़ानदान, अपने हमसाए, अपने दोस्तों और अजीज़ों में अमली कुव्वत की रूह फूंक कर इसमें कौमियत का जज्बा पैदा करे। इस तरह हम अपनी कौम की कुछ मदद कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपके सामने आपकी किताब का सफ़ा नंबर 9 और सफ़ा नंबर 10 की पढ़ाई की। हमारा सबक है मादर ए मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना। सफ़ा नंबर 9 और 10 में हमें बताया गया है कि मोहतरमा फातिमा जिना 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। वो कैद आजम से 17 साल छोटी थी। अभी छोटी ही थी कि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। 8 साल के बाद वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। वालदैन जब वफात पा चुके तो कैद आजम ने उन्हें अपने पास बम्बई में बुला लिया। उन दिनों कैद आजम बम्बई में वकालत कर रहे थे। वो बहुत ही जहीन तालिब इल्म थी। उन्होंने अपने मैट्रिक का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया। उसके बाद वो डेंटल सर्जन बन गई और डेंटल सर्जन बनने के बाद उन्होंने मुंबई में अपना क्लिनिक खोल लिया। लेकिन जब 1929 में कैद आजम की बीवी का इंतकाल हो गया तो फातिमा जिना ने अपनी डॉक्टरी छोड़ दी और अपने भाई कैद आजम मोहम्मद अली जिना के साथ रहने लगी। उन्होंने हर मुश्किल में कैद आजम का साथ दिया। उन्होंने मुस्लिम ख्वातीन को सियासी प्लेटफॉर्म पर मुतहद करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अवामी जलसों में भी वो कैद आजम के साथ साथ रही। फातिमा जिना सियासी समाजी रहनुमाई के साथ साथ ख्वातीन के आम घरेलू मसाइल में भी
उनकी हौसला अफजाई और मदद करती थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की खवातीन कमेटी की मेंबर भी थी। अभी हम इन सफ़ा नंबर 9 और 10 में जो जो मुश्किल अल्फाज हैं इनके मैनी पढ़ते हैं। अल्फाज मैनी लफ्ज़ हैं इंतकाल, वफात। इंतकाल का क्या मतलब है? वफात। आज ये आगाज, इब्तदा, इब्तदा या शुरू। इम्तियाजी नुमाया हैसियत, अहलिया बीवी। खैर बात कहना, छोड़ देना। मोतमिद काबिल एतमाद, जिस पे एतमाद किया जा सके। माउन मददगार, मुशीर मशवरा देने वाला। दूर अंदेश अकलमंद या दूर की सोचने वाला। मफादात फायदे। अभी हम आगे सफ़ा नंबर 11 की पढ़ाई करते हैं। मैं आपके सामने आपके किताब का सफ़ा नंबर 11 की पढ़ाई करती हूँ। अभी आप अपना उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 11 खोलें। उम्मीद है आपने अपनी किताब का सफ़ा नंबर 11 खोल लिया होगा। मैं आपके लिए पढ़ाई करती हूँ और आप भी मेरे साथ पढ़ें। क़याम पाकिस्तान के बाद भी इनकी कौमी खिदमात का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने बीमारी के दौरान में कैद आज़म की बेपनाह खिदमत की। वो हम वक्त इनके साथ रहीं, सरकारी कामों में भी इनका हाथ बटाती रहीं। तालीमी निस्वा के लिए भी मोहतरमा फातिमा जिना की खिदमात से इनकार मुमकिन नहीं। उन्होंने अपवा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का एक सिलसिला जारी किया। वो अपवा की सरपरस्त रहीं और हर सतह पर उन्होंने अपनी बेमिसाल और कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया। अपवा के अलावा वो कई और तंजीमों की भी सरपरस्त थीं। इनकी ये सरपरस्ती बराए नाम नहीं थी, बल्कि हर तंजीम के दायराकार में रहते हुए उन्होंने एक कारकुन की हैसियत से अपने मनसबी फराइज को पूरा करने के लिए काम किया। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद पैदा होने वाले मसाइल के हल में वो अमलन शरीक कार रहीं, खास तौर पर मुहाजरीन की आबादकारी और कश्मीरी मुहाजरीन की दस्तगीरी में इनकी खिदमात आबे जर से लिखने के लायक हैं। कायदे आजम की वफात के बाद वो अमली सियासत से कनारा कश हो गईं, मगर समाजी हवाले से इनकी खिदमात का सिलसिला जारी रहा। मोहतरमा फातिमा जिना अजीम खातून रहनुमा थीं। कौमी और मिली खिदमात के हवाले से कौम ने इन्हें मादर मिल्लत यानी कौम की माँ का लकब दिया। वो सच्ची और पुरखलूस मुसलमान थीं। आला अंग्रेजी तालीम और तरबियत के बावजूद इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थीं। आलम इस्लाम का इतिहाद और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फ़िक्र की तरवीज इनका ख्वाब था। वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशां रहीं। एक मौके पर तकरीर करते हुए उन्होंने फरमाया, हम वाकई ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को सही इस्लामी ममलकत बनाया जाए, तो इसके लिए कुछ इस्लामी तालीमात का अजरा बहुत ज़रूरी है।
ये जरूरत इसी सूरत में पूरी हो सकती है कि हम अपने तमाम तालीमी इदारों में कुरान की तालीम को बाकायदा दरसी निसाब में शामिल कर लें ताकि बच्चे इस किताब इल्म व हिकमत के मैनी व मतालिब से आगाही हासिल कर सकें और कुरानी तालीमात पर अमल पैरा हो सकें। मेरी दिली तमन्ना है कि तमाम स्कूलों में कुरान हकीम की तदरीस का फौरन बंदोबस्त हो जाए। मुहतरमा फातिमा जिन्हा ने 9 जुलाई 1967 को वफात पाई, इन्हें कैद आजम मोहम्मद अली जिन्हा के मजार के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। डियर स्टूडेंट, सभी मैंने आपके सामने सफा नंबर 11 की पढ़ाई की। सफा नंबर 11 में हमने मोहतरमा फातिमा जिन्हा के बारे में पढ़ा कि वो क़ियाम पाकिस्तान के बाद भी कौमी खिदमात का सिलसिला उन्होंने जारी रखा। मोहतरमा फातिमा जिन्हा तालीम निस्वा यानी ख़वातीन की तालीमी खिदमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थीं। उनकी ख़वातीन की तालीमी खिदमात से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपवा के प्लेटफॉर्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया। अपवा के अलावा भी वो कई तंजीमों की सरपरस्त थीं और ख़ास तौर पर महाजरीन की आबादकारी और कश्मीरों की दस्तगीरी यानी कश्मीरियों की कश्मीरी महाजरीन की दस्तगीरी यानी मदद करने में उनकी जो खिदमात हैं वो आबे ज़र से लिखने के लायक हैं और उनकी कौमी और मिली खिदमात के सिले में कौम ने उन्हें मादर मिल्लत यानी कौम की माँ का लकब दिया। फातिमा जिन्हा एक सच्ची और पुरखलूस मुसलमान थी। अंग्रेजी तालीम और तरबियत के बावजूद उनको इस्लाम से बेहद लगाव था और इस्लामी तालीम की अशात के लिए वो आखिरी दम तक कोशिशें रहीं। एक मकाम पर उन्होंने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि इस्लामी तालीम को कुरान पाक की तालीम और तर्जमे को तालीम का हिस्सा बनाया जाए ताकि बच्चे इस किताब यानी कुरान पाक की इल्म व हिकमत के मैनी और मतलब से आगाह हूँ और वो कुरानी तालीमात पर अमल कर सकें। वो चाहती थी कि हमारे स्कूलों में कुरान पाक की तालीम दी जाए और ये उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि तमाम स्कूलों में कुरान हकीम की तदरीस का बंदोबस्त किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, 9 जुलाई 1967 को मोहतरमा फातिमा जिन्हा इंतकाल पा गई और उनको कैद आजम मोहम्मद अली जिन्हा के मजार के अहाते में दफन किया गया या सुपुर्द खाक किया गया। अभी सफा नंबर 11 के मुश्किल अल्फाज के मैं नहीं पढ़ाती हूँ मैं आपको। सफा नंबर 11 में जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मैंने मकबूलियत, शोहरत, हम वक्त, हर वक्त, हाथ पटाना, मदद करना, बेपना, बहुत ज्यादा, तंजीम, तंजीम का मतलब है जमात या मजलिस या इदारा, आमादा करना, इसका मतलब है तैयार करना, तालीम निस्वा यानी औरतों की तालीम, तरवीज, अशात, तरवीज, तरवीज का मतलब है अशात, तालीम निस्वा औरतों की तालीम, उसके बाद है दस्तगीरी,
मदद या मदद करना, वक्फ करना, रफा यामा के लिए छोड़ना यानी भलाई के कामों के लिए वक्फ कर देना, छोड़ देना, शर्मिंदा ताबीर, तकमील यानी मुकम्मल करना या पूरा करना। तो ये थे हमारे मुश्किल अल्फाज के मायने। यार स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना की सबक की पढ़ाई की, उम्मीद है आपने भी मेरे साथ पढ़ा होगा और अच्छी तरह से आपको समझ आ गई होगी। हमने मुश्किल अल्फाज के मायने भी पढ़े, अभी हम पैराग्राफ की तशरीह करते हैं। पैराग्राफ की तशरीह इस तरह की जाती है, पहले जो दिया गया होता है पैराग्राफ उसको गौर से पढ़ें समझकर, फिर उसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके मैनी समझें या अलहदा से लिख लें मैनी, मुश्किल जो अल्फाज हैं उनके पहले मैनी लिख लें। उसके बाद सवाल होता है अक्सर एग्जाम में या क्लास में आपको के दर्ज ज़ैल पैराग्राफ का या दर्ज ज़ैल इबारत का इबारत की तशरीह करें या सलीस उर्दू लिखें हवाला सबक के साथ या हवाला मतन के साथ। तो इसका मतलब ये होता है कि हवाला सबक या हवाला मतन का मतलब ये है कि ये बताएं कि ये पैराग्राफ आपकी उर्दू की किताब के किस सबक से लिया गया है। तो जब आप उस पैराग्राफ को गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने ये किस सबक में पढ़ा था। तो हवाला मतन या हवाला सबक लिख के आप लिखेंगे कि ये पैराग्राफ सबक मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिना से लिया गया है। यानी सबसे पहले आप मुश्किल अल्फाज के मैंने लिख लेंगे, उसके बाद आप हवाला सबक देंगे कि ये किस सबक से लिया गया है, उसके बाद हम उस पैराग्राफ की तशरीह करेंगे यानी सलीस करेंगे। सलीस हम किस तरह से करेंगे, जो मुश्किल अल्फाज हैं हम उनको उनके मैनी में तब्दील कर देंगे, फिर उस पैरा में हर फिक्रे की तशरीह करेंगे यानी वजाहत बयान करेंगे। और जब मैनी तब्दील हो जाएगा, मुश्किल अल्फाज जो है वो आसान मैनी में तब्दील होगा, तो उसी मुनासबत से हम जुमले भी तब्दील कर लेंगे और उनकी वजाहत बयान करेंगे। तो इस पैराग्राफ की तशरीह कुछ इस तरह से होगी। पहले मैं आपके सामने बुक आपकी उर्दू की किताब में जो पैरा दिया गया है ये है आपके सफर नंबर 11 पे आखिरी पैरा। पहले मैं आपकी किताब का ये पैरा आपके सामने इसके पैरे की पढ़ाई करती हूँ, फिर हम उसकी सलीस करेंगे या तशरीह करेंगे। सफर नंबर 11 का आखिरी पैरा। मोहतरमा फातिमा जिना अजीम खातून रहनुमा थी, वो कौमी और मिली खिदमात के हवाले से कौम ने इन्हें मादर मिल्लत यानी कौम की माँ का लकब दिया। वो सच्ची और पुरखलूस मुसलमान थी, आला अंग्रेजी तालीम और तरबियत के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की सच्ची पैरोकार थी। आलम इस्लाम का इतिहाद और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम फिक्र की तरवीज इनका ख्वाब था। वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोशां रहीं। तो अभी मैं आपके सामने फिर इसकी जो तशरीह हमने की लिखी हुई है ये आपके सामने मैं इसकी पढ़ाई करती हूँ। इसकी तशरीह हम कुछ इस तरह से करेंगे। मोहतरमा फातिमा जिना एक अजीम या एक अजमत वाली खातून लीडर थी। उन्होंने अजीम कौमी और मिल्ली खिदमात अंजाम दी जिसकी वजह से कौम ने इन्हें मादर मिल्लत का लकब दिया, या फिर आप ये भी यहाँ लिख सकते हैं कि इन्हें कौम की माँ का लकब दिया। वो एक सच्ची और पुरखलूस मुस्लिम खातून थी, अंग्रेजी माहौल में परवरिश पाने के बावजूद वो इस्लामी तालीमात की हकीकी पैरवी करने वाली खातून थी। दुनिया इस्लाम को मुतहद करने या इस्लामी दुनिया को इकट्ठा करने में और पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम की अशात और तरक्की इनका ख्वाब था। वो जिंदगी के आखिरी वक्त तक इस ख्वाब को
पूरा करने के लिए कोशिश करती रहें। तो ये थी हमारी सलीस यानी पैराग्राफ की तशरी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी आपका ये घर का काम है, दर्ज ज़ैल पैराग्राफ की तशरी व हवाला सबक लिखें। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका घर का काम है, आपने ये पैराग्राफ की तशरी करनी है। ये पैराग्राफ आपकी किताब के सफ़ा नंबर 10 पर है, आपकी उर्दू की किताब सबक मुहतरमा फातिमा जिना, और सफ़ा नंबर 10 पर है। सफ़ा नंबर 10 पर दूसरा पैराग्राफ, ठीक है, उर्दू की सफ़ा नंबर 10 पर आपका दूसरा पैराग्राफ है, जो शुरू होता है, मोहतरमा फातिमा जिना आला तालीम याफ्ता निहायत दूरंदेश और बहुत जरूरतमंद खातून थीं। उन्होंने मुस्लिम खवातीन को बेदार करने और इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर मुतहद करने में निहायत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कौमी मुफादात के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने हर कदम पर कैद आजम का साथ दिया। अवामी जलसों में भी वो अपने भाई के शाना बशाना शरीक रही। यानी ये जो आप सफ़ा नंबर 10 पे, आपकी उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 10 पे दूसरा पैराग्राफ है, ये आपका होमवर्क है, जो शुरू होता है पैराग्राफ मोहतरमा फातिमा जिना आला तालीम याफ्ता से लेकर भाई के साथ शाना बशाना शरीक रही। आप इसका हवाला सबक भी देंगी, लिखेंगे, हवाला सबक भी लिखेंगे और इसको आप तशरीह भी करेंगे। ये आपका होमवर्क है, उम्मीद है आपको सबक मोहतरमा फातिमा जिना, उसके मुश्किल अल्फाज के मैनी और पैराग्राफ की तशरीह जो आज हमने पढ़ी है, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।